नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बानी अपडेट। कठुआ के बनी में सफाई ना होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसकी चिंता जताते हुए सोशल एक्टिविस्ट मुकेश सौंधी ने कहा कि ये काफी चिंता का विषय है। बोले, हालांकि लोग प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ही है जो नींद से नहीं जाग रहा। हालांकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए थे साफ सफाई को लेकर, जो जमीनी सतह पर कूड़े की तरह ही नजर आ रहे हैं। और बानी शहर में लगातार गंदगी का अंबार लग रहा है, लेकिन इसकी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, कोई भी टूरिस्ट आता है बनी में पहले मेन रोड पे आएगा, और ये देखो सर मेन रोड की हालत, जो भी आता है इधर गंदगी से, और मक्खी मच्छर बुरा हाल है सर, दुकानदारों का तो बहुत बुरी हालत है, गाहक आता है वो परेशान हो जाता है, ना कोई डस्टबिन है तो पूरे फुल है, उठाने वाला ही कोई नहीं है। पहले तो आते थे, बीडीओ साहब ने भी किया हुआ था, सब दुकानदारों से पैसे वगैरह लेते थे, सब इसका योगदान देते थे, पर अब ना कोई पैसे लेने वाला आ रहा है ना कोई कूड़ा उठाने वाला आ रहा है। क्या डिमांड करना चाहिए? डिमांड ये है सर, इस गंदगी को, इस कूड़े को उठाएं, और हमारा टूरिस्ट स्पॉट है, लोग दूर दूर से जम्मू से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, देखेंगे क्या, आएंगे तो ये गंदगी देखेंगे, मछलियां देखने आते हैं मछलियां रही नहीं, देखेंगे क्या। यही डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाएं, जो भी जैसे भी कोई भी बेस्ट सोल्यूशन हो वो करें, हम लोग सब रेडी हैं एनी हाउ सहयोग करने के लिए। मेरा नाम मुकेश सौंधी है, मैं बनी का निवासी हूँ। पहले भी चिंता जताई थी इस बारे में, तो आज हम फिर दिखाना चाहते हैं आपको और प्रशासन को कहना चाहते हैं कि कोई पॉलिसी बनाइए जल्दी से जल्दी। सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये गंदगी यहाँ से उठनी चाहिए। बीडीओ साहब के पास हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे पॉलिसी, हमारी दुकानों पे भी नंबरिंग वगैरह हो गई है सारी जगह, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी नहीं आया और ये दिन दिन बढ़ रहा है, दिन दिन कचरे के ढेर लग रहे हैं। संदेश जो है सर गलत जा रहा है और यही जा रहा है कि बनी में क्या करना है यार वहाँ जो साफ सफाई नहीं है, अच्छे कोई रहने बैठने का कोई ऐसा कोई वो नहीं, सुविधा नहीं है। जहाँ भी रोड पे आते हैं और देखते हैं गंदगी की हालत पड़ी हुई है, कचरे की हालत पड़े हुए है। तो अभी मैं ये तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसके लिए जागिए, और गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अभी नई बनी है, हमारे एमएलए साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बीडीओ साहब से भी बात करें, एसीडी साहब से बात करें, एसडीएम साहब से बात करें, तहसीलदार साहब से बात करें, और खुद भी इस मसले में आए और हमारी इस समस्या को हल करें। सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।